व्हाट्स अप, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मॉबी टॉकीज के एक और नए वीडियो में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लव लैब 3-in-1 बेबी बॉटल स्टीम स्टेरिलाइजर के बारे में और उसके डिटेल फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टीम स्टेरिलाइजर क्या होता है और उसका क्या यूज होता है। सो दोस्तों, स्टीम स्टेरिलाइजर एक ऐसा मशीन होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें आप अपने बच्चों के फीडिंग बॉटल्स को या सिपर्स को या पंप को या टीदर्स को या पैसिफायर्स को डाल सकते हैं एंड डालने के बाद स्टरलाइजर से जो स्टीम निकलता है उस स्टीम से बच्चों के फीडिंग बॉटल से बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स, ईस्ट, फंगस बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव हो पाते हैं। मतलब बच्चों के हेल्थ के लिए स्टरलाइजर जो है वो मस्ट हैव प्रोडक्ट में से एक होता है। इंडिया में आज भी बहुत लोग पतीले में पानी उबाल करके बच्चों की बॉटल्स को स्टरलाइज करते हैं, बट वो एक्चुअली में बहुत रिस्की होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, कई बार बॉटल्स खराब भी हो जाते हैं एंड पतीले में बॉटल इक्वली स्टरलाइज नहीं होते हैं एंड साथ ही साथ इसमें कैपेसिटी भी आपको बहुत कम मिलती है। मतलब बहुत सारा बॉटल्स आप एक साथ स्टरलाइज नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक स्टीम स्टरलाइजर सबसे ज्यादा सेफ, इफेक्टिव एंड हाइजीनिक तरीका होता है बच्चों के बॉटल्स को स्टरलाइज करने के लिए। अब आइए बात करते हैं लव लैब 3-in-1 बेबी बॉटल स्टीम स्टरलाइजर के बारे में और उसके डिटेल फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में एंड समझते हैं कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड इसको क्लीन किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत प्यारे वीडियोस बनाने के लिए। अब आइए बात करते हैं लव लैब 3-in-1 इलेक्ट्रिक स्टीम स्टरलाइजर के बारे में और उसके डिटेल फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में। तो ये स्टरलाइजर सबसे सिंपल, सेफ एंड रिलायबल तरीका है बच्चों के बॉटल्स को स्टरलाइज करने के लिए। ये स्टरलाइजर पानी को बहुत ही जल्दी स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं जिसके वजह से बच्चों के बॉटल बहुत ही इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्लीन हो पाते हैं एंड बच्चों के बॉटल से 99.9 हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो रिमूव कर पाते हैं। इस पैकेज में आपको मिलता है अलेट, स्मॉल एसेसरी बास्केट, फीडिंग बॉटल बास्केट, स्टरलाइजर का बेस एंड अ टॉन्ग। एंड मुझे स्टरलाइजर का जो बेस्ट पार्ट लगा कि ये काफी कॉम्पैक्ट एंड एडजस्टेबल स्टीम स्टरलाइजर है जिसको आप 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, आप इसके स्मॉल एसेसरी बास्केट में बच्चों के कोई भी स्मॉल एसेंशियल्स जैसे कि टीथ हो गए, टीदर्स हो गए, पैसिफायर्स हो गए, उसको डाल करके स्टरलाइज कर सकते हैं। नंबर 2, आप इसके फीडिंग एसेसरी बास्केट में मेन बॉटल्स को डाल करके स्टरलाइज कर सकते हैं एंड नंबर 3, आप इसको स्मॉल एसेसरी बास्केट एंड फीडिंग बॉटल बास्केट दोनों को कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं। अनदर बेस्ट पार्ट मुझे इसमें लगा कि इसके सारे ही पास BPA फ्री भी है, मतलब बच्चों को बेटर हाइजीन यहाँ पे मिलती है। इसमें ट्रांसपेरेंट लीड होने की वजह से आप इस प्रोसेस को देख भी पाते हैं एंड गर्म चीजों को पकड़ने के लिए यहाँ पे आपको अलग से टोंग भी मिलता है जो कि अगेन मुझे काफी यूजफुल पार्ट लगा। इस स्टरलाइजर को यूज करना भी उतना ही ज्यादा आसान है। यूज करने के लिए पहले आप बॉटल के सारे ही पार्ट्स को किसी माइल्ड क्लींजर का इस्तेमाल करते हुए क्लीन कर दीजिए। फिर आप इसके बेस में 90 ml का वाटर डाल दीजिए। उसके बाद आपको मेन फीडिंग बॉटल्स या सिपर को एक एक करके फीडिंग बॉटल बास्केट में डाल देना है एंड बॉटल्स के स्मॉल एसेसरीज जैसा कि बॉटल के टीथ हो गए उसको आप यहाँ पे स्मॉल बास्केट में डाल दीजिए। एक बार बॉटल के सारे ही पार्ट्स को डालने के बाद आप इसके लिड को क्लोज कर दीजिए एंड क्लोज करने के बाद इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दीजिए। फिर आप मेन पावर बटन को ऑन कर दीजिए एंड दैट्स इट। एंड जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे स्टरलाइजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये बॉटल को काफी फास्ट, मतलब सिर्फ 8 मिनट में ही स्टरलाइज कर देते हैं एंड 8 मिनट्स के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाता है। मतलब आपको यहाँ पे खड़े रह करके मॉनिटर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एंड अनदर बेस्ट पार्ट मुझे इसमें लगा कि एक बार स्टरलाइज होने के बाद अगर आप इसके लिड को ओपन नहीं करते हैं तो टोटल 24 आवर्स तक बच्चों के बॉटल स्टरलाइज ही रहते हैं। ऑफ होने के बाद बॉटल को इमिडिएटली यूज करने के लिए आप 5 मिनट का वेट कीजिए ताकि स्टरलाइजर थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद टोंग की मदद से आप बॉटल्स के सारे ही पार्ट्स को स्टरलाइजर से बाहर निकाल दीजिए, बॉटल के पार्ट्स को फिक्स कर दीजिए एंड सेफली उसको फ्रिज में रख दीजिए, दैट्स इट। एंड इस तरीके से बहुत आसानी से सिर्फ 8 मिनट में ही आप अपने बच्चों की बॉटल्स को स्टरलाइज कर सकते हैं एंड बच्चों की हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस स्टरलाइजर को रेगुलरली यूज करते हैं तो आपको हफ्ते में एक दिन इसको अच्छे तरीके से क्लीन जरूर करना है। क्लीन करने के लिए आप इसके लिड को, स्मॉल बास्केट को या फीडिंग बॉटल बास्केट को किसी भी माइल्ड क्लींजर का इस्तेमाल करते हुए रनिंग वाटर से क्लीन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके बेस के एक्सटीरियर को या फिर हीटिंग चेंबर को आपको सिर्फ हल्के गीले कपड़े का ही इस्तेमाल करते हुए क्लीन करना है, दैट्स इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके हीटिंग एलिमेंट को क्लीन करने के लिए आपको 30 ml का वाटर लेना है।
उसमें आप 90 ml का विनेगर जो है वो मिक्स कर दीजिए, उसके बाद इसके बेस में डाल दीजिए, उसके बाद स्टरलाइजर को क्लोज कर दीजिए एंड ऑन कर दीजिए। एंड एक बार अगर स्टरलाइजिंग ओवर हो जाता है तो बचे हुए पानी को आप पहले किसी गीले कपड़े का इस्तेमाल करते हुए पोंछ दीजिए, उसके बाद ड्राई कपड़े का इस्तेमाल करते हुए फिर से क्लीन कर दीजिए, दैट्स इट। एंड इस तरीके से आप स्टरलाइजर को बहुत ही आसानी से क्लीन भी कर पाएंगे। सो दोस्तों, लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपने बच्चों के फीडिंग बॉटल्स को अच्छी तरीके से क्लीन एंड स्टरलाइज करना चाहते हैं, फिर तो आपको लव लैब 3-in-1 बेबी बॉटल स्टीम स्टरलाइजर में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस स्टरलाइजर में वो सारे ही फीचर्स हैं जो कि एक स्टरलाइजर में होना भी चाहिए, एंड साथ ही आपके बच्चों के लिए सेफ एंड हाइजीनिक भी है। ये बच्चों के बॉटल से वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, जर्म्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करने में हेल्प करते हैं, एंड मैं ये स्टरलाइजर आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। वेल, आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको लव लैब 3-in-1 बेबी बॉटल स्टीम स्टरलाइजर पसंद आया होगा, एंड अगर आपको ये अपने बच्चों के लिए भी खरीदना होगा, तो बहुत ही आसानी से Amazon, Flipkart एंड लव लैब के साइट पे अवेलेबल है, जिसका परचेज लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे ही दे दूंगी। आप वहां पे क्लिक करके अपने बच्चों के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमी टॉकीज। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।